हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर। हम पिछले एक साल के जो एग्रीकल्चर इश्यूज हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये नबार्ड ग्रेड ए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और यूपीएससी को दिमाग में रख के तैयार की गई है। ये जो सीरीज़ है इसका सेट वन आया था आज से लगभग दो दिन पहले। तो पहले आपको सेट वन देखना है, उसके बाद ही आपको सेट टू देखना है, क्योंकि एक ये सीरीज़ का पार्ट है। तो बहुत सारे कुछ प्रीलियड ऐसे होते हैं जो मैंने पार्ट वन में कवर किए थे, जो मैं इसमें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसलिए पहले आपको सेट वन देखना है। आप सर्च करिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर स्टडी आईक्यू लिखकर, आपको आसानी से सेट वन मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट सेट टू। दिस सीरीज इज बाइलिंगुअल, मतलब इन दिस सीरीज आई एक्सप्लेन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश साइमल्टेनियसली। सो लेट स्टार्ट। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द अटल सोलर कृषि पंप योजना? अटल सोलर कृषि पंप योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है? ये महाराष्ट्र ने शुरू करी है। इस योजना के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जो किसान है वो सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप का इस्तेमाल करें। द पर्पस बिहाइंड लॉन्चिंग ऑफ दिस स्कीम इज दैट द फार्मर शुड बी एनकरेज टू टेक अप सोलर पंप्स, एंड व्हाट बेटर मोटिवेशन देन सब्सिडीज। सो अप टू 95% ऑफ सब्सिडीज विल बी गिवन टू द फार्मर इफ दे परचेज द सोलर पंप सेट्स। द स्टेट प्लान्स टू इंस्टॉल 1 लाख सोलर पंप। सरकार का टारगेट ये है कि उन्हें 1 लाख सोलर पंप इंस्टॉल करने हैं खेतों के अंदर। वो किसान जिनके पास 5 एकड़ से ज़मीन कम है उनको सिर्फ 5% देना होगा, जो भी कॉस्ट होगी 3 हॉर्स पावर सोलर पंप की, सिर्फ 5%। 95% खर्चा सरकार देगी, 95% सब्सिडी मिलेगी। रिमेंबर द फार्मर्स हु ओन लेस देन 5 एकड़ ऑफ लैंड दे हैव टू पे ओनली 5% ऑफ द 3 हॉर्स पावर सोलर पंप दैट द गवर्नमेंट विल गिव टू देम, एंड 95% ऑफ इट विल बी सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट। और वो किसान जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप लेंगे और इसमें वन टाइम एक लमसम उन्हें देना होगा, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज होगा। द फार्मर्स हु हैव मोर देन 5 एकड़ दे विल गेट अ 5 हॉर्स पावर सोलर पंप एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट। ऑल्सो एलॉन्ग विद द सोलर पंप द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग LED बल्ब्स, DC फैन, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट एज freebies. Which state will get the first goat fertility lab in the state under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana? The cost will be around 22 crore. भारत के किस राज्य में उस राज्य की पहली goat fertility lab यानी बकरी के प्रजनन उद्देश्य की प्रयोगशाला निर्मित की गई है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत? ये उत्तर प्रदेश की गई है, उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश में दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली गोट फर्टिलिटी लैब स्थापित की जाएगी। और इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले जो बकरी का जर्म प्लाज्म है वो हम स्टोर कर पाएंगे, उसको आने वाले काफ़ी समय तक हम उसको सिक्योर रख पाएंगे कोल्ड फ्रीज में। बकरियों की नई हाइब्रिड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेटर वर्जन, अच्छी ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा उत्पादक नस्लों का यहाँ पर सृजन किया जाएगा। और बकरी का दूध वगैरह निकालना, बकरी के दूध से मोज़रेला चीज़ बनाना, अगर बकरी के दूध से मोज़रेला चीज़ बनाएंगी महिलाएं खासकर, तो उससे क्या होगा, उससे उनका इनकम बढ़ेगा। और हमारी भारत सरकार का टारगेट ये है कि 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना करना है। ये मोज़रेला चीज़ हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि 2022 तक हमारा टारगेट है कि हमें $60 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना है, $60 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय 2022। तो इसके कई सारे फायदे हैं। दिस विल लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। सो बेसिकली दिस गोट फर्टिलिटी लैब विल हेल्प अस इन कंजर्विंग द जर्म प्लाज्म। इट विल ऑल्सो एनेबल अस टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्शन टू क्रिएट बेटर हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ गोट्स। ऑल्सो द वुमेन दे द वल्नरेबल वुमेन ऑफ द विलेजेस दे विल बी टॉट हाउ टू यू नो गेट द डेयरी आउट ऑफ द गोट, how to prepare mozzarella cheese from goat milk. All this will increase the income of the women. And since mozzarella cheese is nutritious, it will also be in demand in the rural areas. AgriVision 2019, it is a two-day conference on envisioning agro solutions for smart and sustainable agriculture. It was held where? So AgriVision naam ka ek 2 divasiya sammelan, iska purpose ye tha ki hum aane wali jo smart aur sustainable यानी सतत नीतियाँ उनको कृषि में कैसे ला सकते हैं, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद
भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत के जीडीपी का 18% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 50% लगभग हमारी जो आबादी है वो कृषि में निहित है। आपको बता दूं 14.5 करोड़ भारत में किसान है, और अगर आप उनके परिवारों को मान लें, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं लगभग, तो हम कह सकते हैं लगभग भारत में 60 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं। और ये फिगर कहाँ से आया मेरे पास, 14.5 करोड़ किसान है, क्योंकि भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना शुरू करी थी और जो पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना तो अभी स्टार्ट करी है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद उन्हें 3,000 रुपये मिलेंगे किसानों को 60 साल के जब वो हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ पीएम किसान योजना की, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले ये उन्हीं लोगों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम है, तो ऐसे में 12.5 करोड़ जो है वो किसानों को फ़ायदा होना था। बाद में जब ये सीमा हटा ली गई 2 हेक्टेयर वाली, तो 2 करोड़ किसान और जोड़ दिए गए। सो 14.5 करोड़ किसान जो हैं वो भारत में हैं, ये भारत सरकार के फिगर हैं। एक बात और याद रखिए, जो एग्रीकल्चर की वजह से जो जीवीए ग्रो जो हमारा ऐड हुआ था, यानी ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई थी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग यानी मत्स्य पालन, कृषि और जो वन संपदा है उसकी वजह से, वो थी लगभग 17 ट्रिलियन रुपीज़ यानी $274 बिलियन सिर्फ एक साल में, वित्तीय वर्ष 2018 में। और तो ये मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली एग्रीविजन कॉन्फ्रेंस इज़ फॉर इंक्लूडिंग द स्मार्ट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। इनफैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव रिसेंटली टेकन एन इनिशिएटिव टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी, 14.5 करोड़ फार्मर्स आर देयर इन इंडिया, एंड 50% ऑफ द वर्कफोर्स ऑलमोस्ट ऑफ द इंडियाज active workforce of India is engaged into agriculture. Which of the following has started National Agriculture Higher Education Project to attract talent and strengthen the higher agricultural education in the country? भारत में कृषि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए और युवाओं को कृषि में आकर्षित करने के लिए NAHEP नाम का जो प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये कौन से संगठन ने शुरू किया है? इसको शुरू करा है अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने शुरू करा है। 1100 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा और 50% खर्चा करेगी भारत की सरकार और 50% खर्चा करेगा विश्व बैंक। सो रिमेंबर, इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन फंडेड बाय द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्ल्ड बैंक। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड अ प्रपोजल सीकिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच आयोग टू कंजर्व प्रोटेक्ट एंड डेवलप इंडियाज कैटल पॉपुलेशन। पहले आप ये समझिए कि कैटल वर्ड का मतलब क्या होता है। कैटल वर्ड का मतलब होता है गौ वंश, ओके। कैटल इज नथिंग बट काउ, रिमेंबर कैटल इज काउ विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, ओके। देर इज अनदर वर्ड दैट वी यूज विच इज कॉल्ड बोवाइन, एक वर्ड और है जो हम बोवाइन यूज करते हैं। बोवाइन मीन्स व्हाट? बोवाइन मीन्स काउ, बफेलो, यैक, ओके, एंड मिथुन। Cow, buffalo, yak and mithun, these four together are called bovine with respect to Indian context, and only cow we call cattle. So Bharat mein, in India, to establish which commission, we want to establish which commission to conserve, protect and develop India's cattle population. Iska naam hoga Rashtriya Kamadhenu Ayog, Rashtriya Kamadhenu Ayog. Ek baat aapko yahin pe main aur bata dun, Bharat ka pehla gau abhyaranya, India's first cow sanctuary, which is called Kamadhenu Sanctuary. It has been opened in Madhya Pradesh recently. And Madhya Pradesh is also building smart Gaushala, which are nothing but the cow shelter. A Gaushala is a cow shelter. So Kamadhenu Abhyaranya, Gau Abhyaranya bana hai Madhya Pradesh mein abhi abhi. Aur smart Gaushala bhi Madhya Pradesh bana raha hai. Ek expert committee Bharat ki sarkar ne banai thi. An expert committee was set up by the government of India that recommended setting the minimum wage at what rupees a day for agriculture or unskilled worker. जो unskilled worker है, जो गैर संगठित क्षेत्र के जो कामकाजी मजदूर हैं और जो कृषि में यानी हमारे जो गरीब किसान हैं, उनको हर रोज़ कितनी रोज़ाना दिहाड़ी मिलनी चाहिए, what is the minimum wage every day that a agriculture worker or a unskilled worker should get according to the expert committee of the government. It is 375 rupees a day. Okay? 375 rupees a day. Remember, it is significantly higher than the existing rate, which is 321 rupees for agriculture, and also 321 for agriculture or unskilled worker, and 371 right now is for semi-skilled worker.
Clear? So from 321, they want to increase it to 375 rupees per day. Union Textile Minister Smriti Irani launched the integrated large-scale airy farming in which of the following states? Airy, Muga, you know, these are different types of silk that we have in India. And the silk rearing is called sericulture. Basically, silkworms, when you rear them for silk, that is called sericulture. It's an important area. It's an agriculture allied activity. It can definitely increase the income of the farmer. Kisano ki aay ko jyada karne ka ek achha tarika hai, unhe airy farming sikhaya jaye. To airy farming ke liye ek integrated large scale airy farming launch kiya hai. हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति रानी ने ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, वहां की राजधानी ईटानगर में किया गया. ईटानगर इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के तहत लॉन्च किया गया और इसमें बहुत सारी जमीन भी इसके लिए रखी गई है. एरी फार्मिंग के विकास के लिए लगभग 1000 एकड़ की जमीन अरुणाचल में आवंटित की गई है. 1000 एकड़ लैंड इन अरुणाचल हैज बिन एलोकेटेड फॉर द एरी फार्मिंग. So, and the government wants to financially assist 4,000 beneficiaries under the Northeast Region Textile Promotion Scheme. Under the World Bank funded project, a part which is called Agribusiness and Rural Transformation, it's a very important project funded by the World Bank. Rice Knowledge Bank web portal of which state was launched? Chawal ki jo knowledge hoti hai, chawal ke baare mein jo bhi cheeze, jo knowledge hai, uske liye ek Rice Knowledge Bank bana hai. Theek hai, wo kahan bana hai? ये बना है असम में. अपार्ट प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है, जो पूरी तरह से जिसका वित्त पोषण करा है विश्व बैंक ने. असम का एक चावल अभी काफी न्यूज में चल रहा था, जिसका नाम है बोका चाल. बोका सॉल या बोका चावल बोलते हैं. ये वो चावल है जिसको गर्म पानी में उबालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कच्चा ही खाया जा सकता है पानी में डुबो के. तो बोका सॉल चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला था, इसलिए न्यूज में आया था. तो इसमें बेसिकली चावल में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. चावल में नई नई बेस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक एरोबिक राइस टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आपने सुनी होगी. अभी तक यही समझा जाता था कि चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन एरोबिक राइस टेक्नोलॉजी की मदद से कम पानी में भी चावल को उगाया जा सकता है. तो इस तरह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एट द वर्ल्ड लेवल एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दे विल बी अप्लाइड. द इंटरनेशनल नॉलेज विल बी अप्लाइड टू द राइस प्रोडक्शन कल्टिवेशन टू हैव अ बेटर फॉरेस्ट. So not only the land productivity but water productivity will also be considered when devising new technologies to grow rice so as to have self-sufficiency in food production in India. Who has been elected as the new Director General of the United Nations Food and Agriculture Organization? Sanyukt Rashtra Khadya aur Krishi Sangathan ka naya mahanideshak kaun bana hai? Inka naam hai Qu Dongyu. Qu Dongyu. He is a Chinese person. Remember, Bharat ki taraf se Ramesh Chand ko bheja gaya tha. भारत ने नॉमिनेट किया था रमेश चंद को, लेकिन इन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और चाइना के क्यू डोंग्यू को सिलेक्ट किया गया है. ये पहले चाइनीज व्यक्ति हैं जो महानिदेशक बने हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के. ही इज द फर्स्ट चाइनीज पर्सन टू बिकम द डायरेक्टर जनरल और द चीफ ऑफ द एफएओ. एफएओ इज बेस्ड इन रोम एंड सो इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी रोम में है. एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रिमेंबर, इंडिया कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन 2019. ओके, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भारत के 50 साल भागीदारी के पूरे हुए 2019 में. इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसने 100 ट्राउट फार्म बनाए हैं जिससे जो कार्प मछली है उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके? भारत दुनिया में आप जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है चाइना के बाद. ठीक है, पूरी दुनिया में जितना भी मछली उत्पादन होता है भारत में 6.3% होता है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया अकाउंट्स फॉर 6.3% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, राइट? एंड कार्प फिश इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया. नाउ वन स्टेट विल डेवलप 100 ट्राउट फार्म्स, इट इज हिमाचल प्रदेश. ऑल्सो रिमेंबर अनदर फिश दैट इज पॉपुलर इन इंडिया इज द ट्यूना फिश. एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2 मई एज द वर्ल्ड ट्यूना डे. यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा है कि 2 मई उसको विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि ट्यूना मछली का उत्पादन भी पूरी दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए जरूरी है. गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टीएमए स्कीम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्टिंग स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स. व्हाट डज एम इन टीएमए स्टैंड्स फॉर? कहने का मतलब यह है कि हमारे जो किसान अपने कृषि उत्पाद उनको उगाते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो डेयरी हो या एलाइड एक्टिविटी हो, मधुमक्खी पालन हो चाहे मत्स्य पालन हो, उनके जो उत्पाद हैं उन्हें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल जाएं तो
तो फिर वो एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, मतलब अपने खाने को महंगा बेच सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं, फॉरन एक्सचेंज कमा सकते हैं। तो इसमें TMA जो है ये सरकार की स्कीम है। TMA में M की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। M है मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी विपणन। ओके, सो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू हेल्प द फार्मर्स टू टेक देयर प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट सो दैट दे कैन अर्न बेटर मनी फॉर इट, राइट? एंड ऑल्सो दिस विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर टारगेट विच इज बाई 2022 इंडिया शुड हैव $60 billion वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। सो TMA की फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ओके, एंड दिस स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March 2019 टू 31st of March 2020। सो द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 विल बी द लास्ट डेट ऑफ दिस स्कीम। Who has been appointed as the new chairman of the Agricultural Scientific Recruitment Board? ASRB का नया अध्यक्ष कौन बना है? Agriculture Scientific Recruitment Board के नए अध्यक्ष हैं आदित्य कुमार मिश्रा। Who has been awarded the Lifetime Achievement National Grassroots Innovators Award for his innovations in the new varieties of agricultural crops? भारतीय कृषि की फसलों की नई नस्लें, उनका नवाचार करने के लिए, उनका इनोवेशन करने के लिए किस व्यक्ति को आजीवन योगदान अपने कृषि में उसके लिए सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर प्रकाश सिंह रघुवंशी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ही हिमसेल्फ अवार्डेड हिम इन गुजरात। सो प्रकाश सिंह रघुवंशी इज हिज नेम। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ प्रोहिबिटेड इम्पार्टिंग डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम्स इन विच स्ट्रीम? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है अब आप डिस्टेंस कोर्स नहीं कर सकते इनमें से किस स्ट्रीम में? यह है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यू कान डू, इन एग्रीकल्चर यू कान डू नाउ अ डिस्टेंस प्रोग्राम। ओके, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ वेरी हैंड्स ऑन सब्जेक्ट, यू नीड ट्रेनिंग, यू नीड प्रैक्टिकल वर्क विच कैन ओनली बी एनेबल्ड इन अ प्रॉपर कोर्स इन साइड अ यूनिवर्सिटी। सो देर इज नो डिस्टेंस कोर्स नाउ, डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर दीज हैव बीन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। जस्ट लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, यू कान डू अ डिस्टेंस कोर्स इन मेडिसिन, इन इंजीनियरिंग, इन आर्किटेक्चर, सिमिलरली नाउ यू कान डू इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। 2019 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस वॉज रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, इसको रिलीज किसने किया था? इसको रिलीज किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि लगभग पूरी दुनिया में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं 53 देशों के जिन्होंने एक्यूट हंगर फेस किया, यानी बहुत ज़्यादा भुखमरी जिन्होंने फेस की है। ओके, 113 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड अक्रॉस 53 कंट्रीज दे एक्सपीरियंस्ड एक्यूट हंगर। इट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ वट? It is because of war and climate disaster, and both are man-made. War also and climate disaster also. Now, Africa was the worst hit continent. In fact, the word that they used for Africa was African countries were disproportionately affected. India has signed an agreement with NABARD. NABARD's consultancy service, which is called NABCONS, National Bank for Agriculture and Rural Development Consultancy Service, for setting up the India-Africa Institute of Agriculture and Rural Development in which country? भारत ने नाबार्ड की कंसल्टेंसी सर्विस जिसे नैपकॉन्स कहते हैं उसके साथ एक एग्रीमेंट करा है, एक करार करा है। भारत कौन से देश के अंदर इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट बनाएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए? ये देश है मलावी। सो मलावी के अंदर भारत ये बनाएगा। भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ अनवील्ड अ ब्लॉकचेन बेस्ड ई मार्केट प्लेस फॉर द फार्मर्स ग्रोइंग वट? एक जो हमारा कॉमर्स मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने एक ब्लॉकचेन पर आधारित ऑनलाइन शॉपिंग ई मार्केट प्लेस का पोर्टल बनाया है। ये उन किसानों की मदद करेगा जो क्या उगा रहे हैं। सो इट इज़ फॉर दोज फार्मर्स कल्टिवेटिंग कॉफ़ी। नाउ रिमेंबर व्हाई दिस हैज़ बीन डन, बिकॉज इट विल इंटीग्रेट द फार्मर्स विद द मार्केट बेटर सो दैट द फार्मर्स विल बी एबल टू नो विच मार्केट कैन गिव दैम बेटर प्राइस फॉर देयर कमोडिटी। दिस विल हेल्प द फार्मर्स इन डिसाइडिंग विच मार्केट टू सेल देयर कॉफ़ी, राइट? सो किसान ये पता कर पाएंगे इससे कि किस मार्केट में, किस बाजार में उनके उत्पादों का उन्हें अच्छा मूल्य मिल सकता है और वहां वो जाके उसे फिर बेच पाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां पे कि 2019 के अंदर भारत की 5 तरह की कॉफी है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी जो GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। भारत में केरल और कर्नाटक जाने जाते हैं मुख्य रूप से कॉफी को उगाने के लिए, खासतौर पर कर्नाटक। तो इसमें 5 तरह की कॉफी है, आपको याद रखनी है सारी, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो कर्नाटक में कुर्ग में उगाई जाती है, ठीक है, कुर्ग मडिकेरी। वायानाड रोबस्टा कॉफ़ी जो केरल की है, वायानाड में उगाई जाती है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी ये कर्नाटक की है, चिकमंगलूर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कर्नाटक का कॉफ़ी के हिसाब से। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जिसे ट्राइबल उगाते हैं आंध्र प्रदेश में, अराकू घाटी के अंदर। और बाबा बुडानगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो कर्नाटक से आती है। सो दिस इज़ द 5 वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बिकॉज ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड द GI टैग।
कौन से देश का कृषि विभाग है जिसने अनाउंस करा है कि वो कृषि में या कृषि रिसर्च के लिए बिल्लियों का इस्तेमाल नहीं करेगा. विच कंट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज अनाउंस दैट दे वॉन्ट यूज कैट इन द रिसर्च वर्क. इट इज अमेरिका. बिकॉज लॉट ऑफ कैट्स डाई. इनफैक्ट 3000 कैट्स हैव डाइड इन द लास्ट 25 ईयर्स बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क. नबार्ड ने एक 700 करोड़ रुपए की लागत से एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है. इसका नाम क्या है? ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के जो नए उद्योग हैं उनको उनका वित्त पोषण करेगा, उनको पैसा देगा. यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि संबंधित स्टार्टअप करना चाहता है, नई इकाई लगाना चाहता है, उसको पैसा देगा ये फंड. इसका नाम है नैब वेंचर. सो बेसिकली नैब वेंचर इज लाइक अ एंजल फंड. इट्स लाइक अ वेंचर कैपिटलिस्ट फंड दैट विल एनेबल द यंग स्टार्टअप्स इन द रूरल एरिया विच आर स्पेशली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. व्हाट इट विल डू इज इट विल सर्व टू पर्पस. इससे दो फायदे होंगे. पहला, जो यंग लोग हैं वो गांव के बाहर नहीं जाएंगे. अगर वो गांव में ही अपनी कोई इकाई लगा पाएं, अपनी फैक्ट्री लगा पाएं, तो गांव से शहरों में उनका पलायन नहीं होगा. फर्स्ट थिंग दैट इट विल डू इज इट विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द यूथ फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू क्रिएट अ लोकल स्ट्रांग इकॉनमी. एंड द सेकेंड वन इज दैट इट विल लीड टू वेल्थ क्रिएशन. राइट, the youth of the country, they will not be only obsessed with a government job, but they can actually take agriculture forward, right? So they can develop, you know, local businesses which will provide employment also at the rural level. So ye sab fayde honge NAB venture ke. और नबार्ड आप जानते हैं, नबार्ड 1982 में बना था. हर्ष कुमार भानवाला इसके चेयरमैन हैं और नबार्ड पूरी तरह से अब भारत सरकार के ओन्ड है. नबार्ड में पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा भी था, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो भारत सरकार को बेच दिया. ठीक है, और यही हुआ था नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ भी. नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर भी पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा था, पर उन्होंने वो सरकार को बेच दिया. तो एनएचबी और नबार्ड दोनों तरह से पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा ओन्ड है. रिमेंबर दैट नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट दैट इज नबार्ड, दे बोथ हैड द स्टेक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इन दैम. बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाइवेस्टेड इट्स स्टेक एंड नाउ दे आर कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आरबीआई हैज नो रोल टू प्ले व्हाटसोएवर इन बोथ दीज बैंक्स. एक कंपनी है TAFE यानी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड. उनका एक ट्रैक्टर आता है मैसी फर्गसन ट्रैक्टर. इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर होंगे इसके लिए अक्षय कुमार. इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्रीज ISE फूड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पोल्ट्री फार्म. भारत के जो पोल्ट्री फार्म है जहाँ पे चिकन और ये सब रखे जाते हैं, प्रॉब्लम ये है बहुत ज़्यादा डिजीज वहाँ पे फैल जाते हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता. और अगर एक बार मान लो बर्ड फ्लू फैल जाए तो हमें लाखों करोड़ों मुर्गे हैं जिनको मारना पड़ता है, उनको कलिंग बोलते हैं, कलिंग करना पड़ता है जिससे वो और ना फैले. इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा, जो पोल्ट्री के बिजनेस में है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. ओके, तो भारत कौन से देश के साथ एक कौन से देश की एक सबसे बड़ी पोल्ट्री कंपनी है ISE फूड्स, उसके साथ एग्रीमेंट करा है. ये हमें पोल्ट्री फार्म्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगी. तो ISE फूड्स कंपनी है जापान की. सो रिमेंबर जापान्स लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसिंग कंपनी इज ISE फूड्स. इट विल हेल्प द इंडियन फार्मर्स इन पोल्ट्री टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर फार्म्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन ओवर द ईयर्स हाउ इवन अ माइनर बर्ड फ्लू एंड वी नीड टू कल लाइक मिलियंस ऑफ चिकन्स. दिस इज अ ह्यूज कमर्शियल लॉस फॉर दोज फार्मर्स हु आर एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ पोल्ट्री. दैट इज वाई वी नीड टू पार्टनर, वी नीड टू शेयर नोट्स, वी नीड टू एक्सचेंज टेक्नोलॉजी नॉलेज विद द डेवलप्ड कंट्रीज. In which state fall armyworm, it's a pest which can cause extensive damage to the standing crops within very short time, has been detected. वैसे तो usually fall armyworm insect has been found in many states, but very recently it was spotted creating huge damage to the crops in Arunachal Pradesh. Remember, fall armyworm has been detected in lot of states, but very recently it was detected in Arunachal Pradesh. It caused heavy damage to the crops within a short time, clear? Within a very short time. And it affects lot of crops. It affects rice, it affects sugarcane, it affects vegetables. You know, ये चावल, गन्ना और जो हमारी सब्जियां हैं, तो कई नाना प्रकार की जो फसलें हैं उनको ये प्रभावित करता है. इसीलिए ये जो कीड़ा है ये बहुत ज़्यादा किसानों के लिए आर्थिक संकट बन के उभर सकता है. वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ही हैज कॉल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग विच कैटल ब्रीड रिसेंटली. कौन सा गऊ वंश की नस्ल है जिसको हमें बचाना चाहिए, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, ये कहा हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने. ये है ओंगोल. रिमेंबर ओंगोल इज फाउंड इन द तेलुगु हार्टलैंड. इट इज फाउंड इन आंध्र एंड तेलंगाना. ओंगोल जो नस्ल है कैटल की, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, क्यों इंपॉर्टेंट है इसका भी कारण बताता हूँ आपको. क्योंकि ओंगोल जो है ये ब्राज़ील ने हमसे खरीदी. ओके, सो ब्राज़ील इंपोर्टेड ओंगोल ब्रीड फ्रॉम इंडिया एंड दे टुक ह्यूज
you know, they took huge advantage of it. They took huge commercial benefit of it. They created huge revenue out of it. But India, this cattle is neglected. So we must learn to first protect our desi breed, our indigenous breeds. Right? हमें हमारी जो देसी नस्ल है पहले उनको बचाना होगा, तभी वो हमारे किसानों के लिए यूजफुल हो सकती हैं। एक बात और, जो देसी नस्लें हैं उनको बचाने के लिए सरकार की एक योजना है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सो नेशनल राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल गोकुल मिशन इज बेसिकली अ एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लोकल वेराइटीज ऑफ वेरियस एनिमल्स। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक, इन्होंने एक एग्रीमेंट करा है कौन से देश के अंदर ये 15 करोड़ रुपए का ऋण देंगे, लोन देंगे उनको एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। सो एग्जिम बैंक विल प्रोवाइड अ क्रेडिट वर्थ 15 करोड़ डॉलर और 150 मिलियन डॉलर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स इन दिस कंट्री। दिस कंट्री इज घाना। सो दिस वॉज द सेट टू एंड आई विल सी यू वेरी सून इन सेट थ्री। रिमेंबर दिस सीरीज इज डिजाइंड फॉर नबार्ड ग्रेड ए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड यूपीएससी एग्जाम। And set 3 will also benefit you hugely. If you are liking this series, then please do like, comment, share and subscribe. Sharing is very important because sharing is caring. If you share, basically you are caring for us. So see you in part 3. Thank you so much for watching. Hello everyone.